दिस इज योर बॉय वासु सहगल। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो DUMCA 2020 को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि वो DUMCA 2020 रैंक 1 पे है YouTube सर्च पे, तो बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो मैंने उस वीडियो का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा यूनिक रखा था और ऐसा पूरा कंटेंट किसी ने नहीं बताया था, और इस वीडियो का कंटेंट भी उतना ही यूनिक है। और आज की वीडियो, जैसा कि मैंने आपको सबको वादा करा था, वो है DUMSC कंप्यूटर साइंस 2020 एग्जाम के बारे में आपको पूरी डिटेल दूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और मेरी आगे आने वाली हर वीडियो बहुत ही यूनिक होगी, तो इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जो बात कि क्या सिलेबस है इसका पूरा, मतलब आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि मतलब आपकी कितने ग्रेजुएशन में परसेंटेज आने चाहिए या कुछ और कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी यूनिवर्सिटी के या नहीं, बेनिफिट्स फॉर DU स्टूडेंट। इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि DU स्टूडेंट होने का बेनिफिट क्या होता है। पेपर पैटर्न लाइक लॉजिक कितने हैं, कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पूरी वीडियो देखेंगे पता लग जाएगा। फोकस पॉइंट मेन, जैसे MCA एग्जाम में आपको फोकस रखना था मैथ्स में, अब इस एग्जाम में आपको किस चीज़ पर फोकस रखना है वो मैं आपको पूरी वीडियो में बता दूंगा। सीट डिस्ट्रीब्यूशन के जनरल OBC SC ST में कितनी सीटें बटी हुई है। पैकेज कितने जाते हैं, वही MSc लोग कहते हैं भाई MSc क्यों कर रहे हो, रिसर्च में जाना है तुम्हें तो कहाँ पैकेज लगेंगे तुम्हारे, तो इस वीडियो में आपको पूरा पता लग जाएगा। इंटरव्यू भी है इस एग्जाम के बाद, जो होगा इंटरव्यू होता है और आपको पता लग जाएगा इंटरव्यू में कैसे करना है। और इस वीडियो में स्पेशली मैं इस क्वेश्चन, जो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कोरा पे भी आपने देखा होगा कि बहुत लोग इसका ढंग से आंसर नहीं कर पाते हैं, इसका आंसर आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा कि शुड आई डू MCA और MSc कंप्यूटर साइंस। तो ये पॉपुलर क्वेश्चन भी आपको इस पूरी वीडियो में पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो पहला टॉपिक मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को, वो है सीट डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अब सारे सोचेंगे कि ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले क्यों, क्योंकि लोगों को पता तो होना चाहिए कि वो कितनी सीट्स पे कम्पीट करने वाले हैं, कि आगे उनको सिलेबस भी पता लगे, उस हिसाब से वो मेहनत करें। तो पहले एक बार देख लेते हैं, थोड़ी शौक का है। सबसे पहले देख ले, यहाँ पर आपको दो कैटेगरी है, एक एंट्रेंस और एक मेरिट। अब मेरिट क्या है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बताया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होने का क्या फ़ायदा होगा आपको, कि जो जिनकी ज़्यादा CGPA आती है या परसेंटेज, जो भी आपका क्राइटेरिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस में, और वो अपना अप्लाई करना चाहते हैं MSc के लिए, तो उनका एक अलग फॉर्म आता है एडमिशन के टाइम पे, जिससे कि वो उनको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा बिल्कुल भी। तो अब ये जो है, यहाँ पर आपको मेरिट बेसिस पे उनकी एडमिशन हो जाएगा डायरेक्ट विदाउट एनी एग्जामिनेशन। सो यहाँ पर दो कैटेगरी है, मेरिट और एंट्रेंस। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि मेरिट जो है, मेरिट के लिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि 12 सीटें हैं सिर्फ जनरल के लिए मेरिट, पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में से जो भी बच्चे मेरिट के हैं वो 12 सीटें उनकी जनरल की, SC की 4, ST की 1, OBC की 6, EWS की 2, PWD की 0 है, 1 है CW की और स्पोर्ट्स की 1 है। और अब जो बाकी बच्चे यूनिवर्सिटी के जो BCA कर रहे हैं या फिर कोई और कोर्स कर रहे हैं, या फिर उनकी इतनी CGPA नहीं है कि वो मेरिट के लिए अप्लाई भी कर सके, समझ लो 6 CGPA वो अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो अब उनके लिए होता है एंट्रेंस टेस्ट। तो एंट्रेंस टेस्ट में सिर्फ 12 सीटें हैं जनरल के लिए, SC के लिए 4, ST के लिए 2, OBC के लिए 7, EWS के लिए 1, PWD के लिए 1, CW के लिए 1 और स्पोर्ट्स के लिए 1। तो आप देख चुके हो कि सिर्फ कितनी कम सीटें हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका फायदा क्या है MSc का, भाई फिर इससे बड़े तो MCA के टेस्ट दे दें, हम कहीं और कर लें, क्योंकि ये तो प्रोफेशनल डिग्री भी नहीं है। तो अब इसका जो है, मैं आंसर आपको लास्ट में ही दूंगा, वो जो मेरा स्पेशल क्वेश्चन था जो बहुत व्यूअर्स आंसर नहीं दे पाए हैं। तो अब हम ये DUMSC कंप्यूटर साइंस की एंट्रेंस एग्जाम की एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। इसका जो एग्जाम पैटर्न है पूरा MCA से एकदम उल्टा है। इंग्लिश अगर आप देखेंगे सिर्फ 10 क्वेश्चन है, मैथ्स के 15 हैं और कंप्यूटर साइंस के 25 हैं। तो इसमें जो मेन एरिया आपको फोकस करना है वो है कंप्यूटर साइंस, क्योंकि मैथ्स अगर आप MCA की प्रिपेयर कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो आपको इसकी प्रिपेयर करने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश सेम आएगी। और कंप्यूटर साइंस आपको मैं बता देता हूँ कैसे प्रिपेयर करनी है। तो कंप्यूटर साइंस में जो इनके टॉपिक्स दे रखे हैं एंट्रेंस में, वो है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर DS एंड एल्गो, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, DBMS और नेटवर्किंग।
तो अगर आपने ढंग से कर रखी है ये सब चीजें, तब भी आपको जरूरत पड़ेगी तैयारी की, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि थोड़े आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं, तो इसका मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे करना है। लेकिन अगर पहली बात, अगर कोई ये सोच रहा है कि वो सारी बुक का रट्टा लगा लेगा, कंसेप्ट रिवाइज मतलब सबको पूरी बुक छान लेगा, तो उसका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए, बहुत यूनिक कंटेंट है, तो आपको जरूर हेल्प होगी। तो सबसे पहली बात, आप प्रीवियस पेपर्स जो है वो रिवाइज करें। अब वो कहाँ से मिलेंगे, मैं आपको 5 पेपरों के लिंक दे रहा हूँ, इसमें मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डालूंगा, वो आप जरूर देखें। कंसेप्ट रिवाइज करें, इन सबके एक बार कंसेप्ट रिवाइज करें कि टॉपिक्स क्या क्या दे रखे हैं, उनके कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद एक सैन फाउंड्री नाम की वेबसाइट है। अभी कौन सी वेबसाइट है, क्या है, ये एक वेबसाइट है जो हजार हजार क्वेश्चन डालती है एक एक कंप्यूटर के टॉपिक्स पे और बाकी सब्जेक्ट्स के भी, लेकिन हमें कंप्यूटर देखनी है। तो डीएस के 1000 क्वेश्चन है, उस पर सेट क्वेश्चन है, तो वो आप एक बार रिवाइज मारोगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। उसके बाद है अदर एमसीक्यू, अगर आपके 7000 क्वेश्चन करने के बाद भी अगर आपके अंदर हिम्मत बचे तो ये है अदर एमसीक्यू की साइट कोई है, अगर आप देखे कहीं आपको कहीं और सेट कोई और वेबसाइट मिले तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब हम आगे इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, तो आप ये सोचोगे कुछ क्वेश्चंस तो रह गए, पैकेज रह गए, इंटरव्यू रह गया, तो इसी क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आंसर दे दूंगा इन सब चीजों का। तो शुड आई डू एमसी और एमएससी, तो अगर आपका डीयू में ही एमसी और एमएससी हो गया तो आपको क्या करना है, तो आपको एमसीए ही करनी है। पहली बात, एमसीए में ज्यादा कंपनीज आती हैं जो प्रेफर करती हैं एमसीए को और ज्यादा पैकेज देती हैं। दूसरा, आपको एक प्रोफेशनल डिग्री मिल रही है, हमारे देश में तो भाई प्रोफेशनल डिग्री ही मानते हैं बीटेक एमसीए, तो आपको वो करना चाहिए। लेकिन अगर आपका एमसीए नहीं होता और अगर आपका कहीं किसी एनआईटी में भी नहीं होता, और अगर समझ लीजिए आपका कहीं और होता है जो कि बहुत बेकार कॉलेज है, या अगर आप एमआईटी जाना चाहते हैं, या लेकिन तब भी अगर आपका एमएससी हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसके फायदे एक बारी मैं आपको बता देता हूं कि इन सब चीजों के बावजूद भी फायदा क्या है। सबसे पहली बात, आप इसके बाद रिसर्च में जा सकते हैं, जिनको रिसर्च स्कॉलर बनना है या फिर जिनको कुछ और करना है, जिनको आईआईटी में कहीं जाना है इसके बाद रिसर्च के लिए, तो कर सकते हैं। ये 1 ईयर के बाद ही प्लेसमेंट हो जाएगी, जो आपने 6-7-8 महीने पढ़ना है, उसके बाद आपको 2-3 महीने आपको वो प्रिपरेशन करनी है इंटरव्यू की, और आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी 1 साल बाद ही, और आपको उसके बाद ही आपको जॉब चले आना है थोड़े टाइम में। उसके बाद फीस, भाई फीस इसकी 18,000 से भी कम है, सबसे मेन फैक्टर ये विदाउट हॉस्टल। उसके बाद है आपका गुड प्लेसमेंट, भाई गुड प्लेसमेंट क्यों है भाई, अभी तो आपने कहा कि एमसीए की ज्यादा कंपनीज आती हैं, तो गुड प्लेसमेंट इसलिए क्योंकि कंपनीज आती हैं इसके लिए भी, वो एवरेज पैकेज 8 से 9 लाख देती है पर एनम, और मैक्सिमम पैकेज अभी गया इसी साल 16 लाख का। तो अगर आप किसी और कॉलेज में आते हो आपको इतना नहीं मिलेगा, एमएससी के बाद डायरेक्ट मिल रहा है, और इसके बाद जैसे ही आप एक कंपनी के बाद किसी और कंपनी में स्किप करते हैं तो आपकी कोई डिग्री मैटर नहीं करेगी, आपकी जो है स्किल्स मैटर करेंगी। उसके बाद आते हैं आपको एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है, एक जो कि बहुत ही प्राउड का मोमेंट है एक स्टूडेंट के लिए। उसके बाद आती है आप इसके बाद कैन ऑफ फॉर पीएचडी, आप इसी डिपार्टमेंट से पीएचडी कर सकते हैं, आईआईटी से पीएचडी कर सकते हैं, टीचर लग सकते हैं। तो इंटरव्यू पे, इंटरव्यू इसका भी इंटरव्यू सेम एमसीए जैसा है। अगर आपको नहीं पता कि इंटरव्यू कैसा होगा, आप मेरी एमसीए की वीडियो पूरी देखें, डीयू एमसीए 2020, और आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई हो।